कि हम आपसे जुड़ सके और आपके साथ हो सके एंड रिमेम्बर वी आर लिविंग इन अ डार्क डार्क वर्ल्ड और याद रखिए हम एक अंधकार के संसार में जी रहे इन द मिडस्ट ऑफ दिस डार्कनेस और इस अंधकार के बीच में देर इज ओनली वन लाइट स्टेर इज शाइनिंग ब्राइट और सिर्फ एक ही ऐसी ज्योति है जो अद्भुत में ज्योति के रूप में चमकती है जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह He is the light of the world. याद रखिए वो इस संसार की ज्योति है And then those who, of us who know Jesus as our Lord. और हम में से वे जो को अपने परमेश्वर के रूप में जानते हैं, he comes to live in us. वो आता है हमारे भीतर thus he said. और इसलिए वो कहता है We are the light of the world. कि हम जगत की ज्योति हैं So let our light shine. और इसलिए होने दे हमारी ज्योति चमकने पाए uh, We are meditating. उंड मार्क्स चैप्टर फोर वर्सेस ट्वेंटी और हम मनन कर रहे हैं मरकुरती सुसमाचार उसका चौथा अध्याय किस वे वचन से लेकर थे इस वे वचन तक जी सशी स्टेलिंग

हमने एक बहुत साधारण सी सच्चाई के ऊपर अपने मनन को रखा इन दिस रेफरेंस इन मार्क और ये जो वचन इस मार्ग उसमें लिखा गया एंड दैट ट्रुथ इज इज अ अ लैंप टू बी प्लेस्ड ऑन स्टैंड और याद रखिए एक दिए को एक दीवट के ऊपर रखना है द लैम्ब स्टैंड फॉर द ट्रूथ और याद रखिए ये दिया एक सच्चाई को दर्शाता है एंड इट्स लाइट स्टैंड फॉर द लाइट Of the truth. And we were sharing, I was sharing a, a story of a single woman who died a forgotten, lonely. As a, as a forgotten, lonely widow. अगर आपको याद हो तो अपने पिछले मनन में मैंने आपके सामने कहानी को, कहानी को रखा था जिसमे और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी सारणी थी उन्होंने कहा की ये कुपोषण से मर गयी मिलने जबकि दूसरे हाथ पर सच्चाई ये थी की वो तो अरब पति थी

और उस बेटे का नाम या उस लड़के का नाम चैट था इन स्कूल नो बडी केयर फॉर हिम और स्कूल में विद्यालय में कोई भी उसकी चिंता नहीं करता था एंड हिज मदर वुड वॉच हर सन वॉकिंग बिहाइंड ऑल अदर चिल्ड्रेन और उसकी माँ उस बेटे की माँ उसे देखती थी कि वो कैसे दूसरे बच्चों के पीछे पीछे चलता था अदर्स टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड क्लंग टू ईच अदर जबकि दूसरे हंसते थे एक दूसरे से बात करते थे

टू ही to गिव टू ईच वन ऑफ इस क्लास और वो अपने हर एक कक्षा के सदस्य को वो देना चाहता hesitated। जो माँ थी वो थोड़ा सा हिचकिचाई। She knew her son would not get any. क्योंकि उसे पता था कि वो तो सबको देगा उसका बेटा सबको देगा लेकिन उसके बेटे को कोई नहीं देगा और हार्ट सैंग और उसका जो हृदय था वो डूब गया एंड ही दैट और उसकी इतना ही वो आशा लगाने लगी कि काश उसका बेटा ऐसा ना करे बिकॉज शी वॉज हाउ ही क्योंकि उसने देखा था किस प्रकार से कि दूसरे बच्चे उससे बात नहीं करते थे उससे दूरी बनाते थे एंड नॉट ओनली वॉज ईग्नोड ना केवल उसका तरस्कार होता था and he was not included in others' company. लेकिन दूसरे के जो संगति थी या समूह थे उसमें भी वो भाग नहीं ले सकता and she watched all वॉचड happen. और इन सारी बातों को उस माने होते हुए देखा था Nevertheless, लेकिन फिर भी she um, went along with her child. और उसने अपने बेटे चैट की बात को माना और उसके अनुसार किया एंड बॉट ऑल थिंग्स नीडेड टू मेक वॉलेंटाइन फॉर ऑल हिस्स क्लास और उन सारी वस्तुओं को वो ले आई जिसकी आवश्यकता थी कि वो अपने कक्षा के सारे सदस्यों के लिए वैलेंटाइन बना सके फॉर थ्री वीक्स पेन ही वर्क और तीन हफ्तों तक बहुत दर्द और परिश्रम के साथ चैट ने काम किया एंड मेड अ वैलेंटाइन प्रेजेंट फॉर एवरी वन ऑफ इस क्लास और अपने कक्षा के हर एक सदस्य के लिए उसने वेलेंटाइन के तोहफे को तैयार किया and when the day came, और जिस दिन वो वेलेंटाइन का दिन आया he took them with him. सारे तोहफो को अपने साथ लेकर गए और जो माँ थी उसे चिंता थी डिसाइडेड टू मेक सम स्पेशल कुकीज एंड मेड मिल्क और कुछ खास बिस्कुटों को बनाया और साथ ही साथ एक, एक ग्लास दूध भी भेजा

As she expected, his hand was empty. जैसा की उसने आशा लगाई थी उसके बेटे का हाथ खाली थे द माद ब्रॉड दुकी मिल्क और माँ जो है जो खास बिस्कुट और उसने बनाए थे और दूध का गिलास ले आई बट ऑल ही कुछ से विध एक्साइटमेंट वॉज नॉट ए वन नॉट ए वन और जो बेटा पूरे रोमांच के साथ एक ही बात को कह रहा था कि एक ही नहीं एक ही नहीं mom held her tears माँ ने अपने आँसुओं को रोका then she heard him say और उसने उसे कहते हुए सुना not a single one was left कि एक भी ऐसा नहीं बचा था everyone received a valentine हर एक को वैलेंटाइन का तोहफा मिला what is the lesson और यहाँ पर शिक्षा क्या है in giving away one finds life कि देने में एक को जीवन प्राप्त होता है Think this seriously, this story. Two thousand years ago, Jesus Christ came and gave away his life अप, as a sacrifice for our unworthy, undeserving, rebellious, ungrateful mankind. mankind. And you remember what kind of man? और आपको पता है किस प्रकार का मनुष्य? Undeserving. एक ऐसा मनुष्य जो आयोग्य था. Unworthy. और जो किसी भी करुणा और अनुग्रह के योग्य नहीं. Rebellious. और ऐसा जो ठुकराने वाला, विरोध करने वाला. An ungrateful humanity. और वो जो धन्यवाद नहीं करता. Who hated God. और जो परमेश्वर से घृणा करता था. And the same humanity was loved by God so much.

और आज के दिन परिणाम स्वरूप लाखों और करोड़ों की गिनती में ऐसे है जो अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है वो एक ऊंची आवाज के साथ इस घोषणा को करेंगे माई सेवियर यश मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है दिस इज बिसाइड मिलियंस एंड मिलियंस

और जो अंधकार में मरने के कगार पर थे ट्राइंग टू फाइंड देयर वे और जो अपने तरीकों को ढूंढना चाहते थे जीसस पे द प्राइस यीशु ने उस दाम को चुकाया He did not come to hide the truth. और वो इसलिए नहीं आया कि सच्चाई को छुपा सके। He came to expose the light to the world. वो इसलिए आया कि संसार को अपनी ज्योति प्रकट करे। He said, "I am the light of the world."

Jesus Christ, the light of the world, has brought light and life to us. और इस बात की घोषणा करेंगे कि वो यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, वो मेरे जीवन में ज्योति को ले आया. And my friends, मेरे मित्रों, the reason. You have been given the privilege of knowing Jesus. वो सौभाग्य जो आपको दिया गया है कि आप यीशु मसीह को जान पाएं.

a true witness to the light. ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे गवाह बनने पाएं. Have a wonderful day today. एक अच्छा दिन आपका बीते. The opportunities are before you. क्योंकि वो मौके आपके सामने हैं. Don't waste it. और इसलिए उनको बर्बाद ना करें. God bless you. हमेशा आप सबको आशीष दें. And truly use you. और आपका उपयोग करें. Amen. Amen.